नमस्कार, वीके न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर सेंट्रल एवेन्यू रोड पर मेट्रो दौड़ने को तैयार, महामेट्रो ने सभी चुनौतियों को पार कर पाई सफलता। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा राज्य सरकार ओबीसी को फंसा रही है। और नागपुर शहर में होगा इस बार खासदार क्रीडा महोत्सव का आयोजन, पूर्व महापौर संदीप जोशी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के रिच 2 सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक और रिच 4 पर आज सीताबर्डी से प्रजापति नगर इस 12 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही तकनीकी कार्य भी पूर्ण किए जा रहे हैं। रिच 4 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर कार्य पूर्ण होने के बाद जांच पड़ताल भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इस मार्ग पर टेस्ट रन आज होने जा रहा है। यह दोनों मार्ग कार्य की दृष्टि से बेहद जटिल थे, महामेट्रो ने सभी चुनौतियों को मात कर कार्य पूर्ण करने में सफलता पाई है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों मार्गों पर मेट्रो ट्रेन भारतीय रेल के ट्रैक के ऊपर से गुजर रही है, एक आनंद टॉकीज के समीप और दूसरी कामठी मार्ग पर गुरुद्वारा के समीप। 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था के तहत गुजर रही है, जो कि देश में यह पहली बार निर्माण किया गया है। सेंट्रल एवेन्यू मार्ग मेट्रो मार्ग पर कुल 9 स्टेशन है, जिनमें कॉटन मार्केट, नागपुर रेलवे स्टेशन, दोसर वैश्य चौक, अग्रसेन चौक, चितारोली, टेलीफोन एक्सचेंज चौक, आम्बेडकर चौक, वैष्णव देवी चौक तथा प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन का समावेश है। पूर्व और पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाला सेंट्रल एवेन्यू प्रमुख मार्ग है। उल्लेखनीय है कि नए साल में सीताबर्डी इंटरचेंज से प्रजापति नगर और सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक तक यात्री सेवा शुरू करने का महामेट्रो का लक्ष्य है और इसी के अंतर्गत ट्रायल रन की शुरुआत की जा रही है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की रफ्तार न्यूनतम रहेगी। इस मार्ग पर सिग्नलिंग, OHE विद्युत खंभे और ट्रैक का काम पूर्ण हो चुका है, जिससे ट्रायल रन की कड़ी आज जुड़ने जा रही है। इस मार्ग पर मेट्रो का निर्माण कार्य करना चुनौतीपूर्ण था। रेलवे लाइन के ऊपर मेट्रो ट्रैक का निर्माण कार्य, रामझूला परिसर, सेंट्रल एवेन्यू मार्ग, प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन। रीच 4 का काम हम लोग इस महीने के दिसंबर 21 के एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद CMRS इंस्पेक्शन होगा और CMRS सर्टिफिकेट मिलेगा पब्लिक कैरिज के लिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसको लाइन को कब चालू करना है। वो भी काम एडवांस स्टेज में है। वहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर एक बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है और वो काम 15 जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। उसके ब्रिज के बाद वहाँ पर ट्रैक और OHE का काम हो जाएगा और उसके बाद वहाँ भी CMRS का इंस्पेक्शन होके और जनवरी लास्ट वीक तक वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर निर्णय करेंगे कि चालू कब होनी है लाइन को। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से ओबीसी जनता को फंसा रही है, ऐसा आरोप उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगाया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने ओबीसी समाजासमोर कंटिन्यू विश्वासघात केला आहे। सुप्रीम कोर्टाने वारंवार फटकारल्यानंतर सुद्धा जो डाटा बनवण्याची आवश्यकता होती तो डाटा काही त्यांनी बनवला नाही आणि म्हणून आता सुप्रीम कोर्टाने क्लिअर कट म्हटलं आहे का बिना ओबीसीचे आपण निवडणुका घ्या। त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाला जाग आला, उद्धव ठाकरे सरकारला जाग आला, जे ओबीसीचे कैवारी होते छगन भुजबळ साहेब त्यांनी बी आता जाग आला आणि त्यांनी आता डाटा बनवण्याकरिता आयोगाला 5 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला। जेव्हा की आयोगाने स्पष्ट रूपाने म्हटलं आहे, मागासवर्गीय आयोगाने स्पष्ट रूपाने म्हटलं आहे का हा अगर डाटा महाराष्ट्राचा आपल्याला डेटा अगर जमा करा डाटा जमा करायचा असेल तर लगभग 450 कोटी रुपये लागणार आहे।
आणि त्यासाठी जो काही पावर लागेल तोही पावर शासनाने उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारचं कडक पत्र आयोगाने राज्य शासनाला दिला. आणि राज्य शासनाने एक नाम मात्र टोकन म्हणून श्री 5 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. त्या 5 कोटी रुपयामध्ये काही महाराष्ट्राच्या ओबीसीचा डाटा तयार होणार नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे हे ओबीसी समाजावर कंटिन्यू फसवणुकी करून राजकीय आरक्षण ओबीसी समाजाचं कुठंतरी आपण दाबलं पाहिजे. आणि त्यांच्या अवतीभोवती काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल किंवा शिवसेनेवाले असतील, त्यांच्या अवतीभोवती जे धनाढ्य लोक राहतात, जे पैसेवाले लोक त्यांच्या आजूबाजूला राहतात, ते ओपनच्या माध्यमातून ते जनप्रतिनिधी बनावे अशा प्रकारची मानसिकता या उद्धव ठाकरेची या माध्यमातून दिसते. आणि म्हणून तुम्ही कंटिन्यू पाहता का आजपर्यंत हा 2 वर्षापासून हा घोड जेव्हा कायम आहे, जेव्हा की वारंवार राज्याचे विपक्षाचे नेता देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हे वारंवार त्यांना सूचना केल्या का तुम्ही हे डेटा करताना डेटा तुम्ही राज्य सरकारचा अधिकार आहे, हा राज्यांनी ज्याचा डेटा उपलब्ध करून द्यावा. आणि तशा प्रकारची अगर व्यवस्था राज्य सरकारने केली असती तर ही पाडी आज नसती आली. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश आज सरकारला दिले आहे आणि त्या माध्यमातून स्वतः काल डेटा बनवण्याकरिता आयोगाच्या मीडियाच्या माध्यमातून काल आपण पाहिलं, त्यांनी सांगितलं का जे काही त्याला जे काही ऑफिस लागणार आहे, जे काही सरकारी यंत्रणा लागणार आहे, जे काही निधी उपलब्ध हे झाल्यानंतर लगभग हा डेटा अगर उपलब्ध करायचा असेल तर लगभग याला 3 ते 4 महिने लागणार आहे. आणि म्हणून मंत्रिमंडळाने बी काल निर्णय घेतला की आयोगाला आता हे निवडणुका पुढं ढकलायच्या आणि ओबीसीच्या समोर हा पूर्ण निवडणुका घ्यायच्या अशा प्रकारचं आता राज्य शासनाला जाग आली. ज्या सुप्रीम कोर्टाने ज्या पद्धतीने त्यांना फटकार लावली आहे आणि म्हणून आता राज्य सरकार कुठंतरी जागलं आहे, तरीसुद्धा आमची विनंती आहे का आपण सगळ्या विपक्षाच्या नेत्याला सोबत घेऊन याचा कसा चांगला मार्ग निघू शकते. कारण प्रत्येक वेळा तुम्ही पाहिलं का विपक्षाला हे डावलण्याचा प्रयत्न करतात, कोणत्याही विषयावर ते विपक्षाची चर्चासुद्धा मुख्यमंत्री करत नाही. कारण मुख्यमंत्री हे घरच्या बाहेरच निघत नाही आणि त्याच्यामुळे हा सगळा प्रॉब्लेम होऊन राहिला. आणि म्हणून ओबीसी समाजावर लगातार अन्यायकारक भूमिका अगर कोणी घेत असेल तर हे उद्धव ठाकरे सरकार घेत आहे. आणि म्हणून या ओबीसीवर अन्याय होऊ नये, ओबीसीच्या सोबत ही निवडणुका व्हावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. नागपूर में इस वर्ष खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है. शुक्रवार को नागपुर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यकाल में आयोजित इस पत्र परिषद के दौरान पूर्व महापौर व क्रीड़ा महोत्सव के आयोजक संदीप जोशी ने यह जानकारी दी. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माननीय नितिन जी गडकरी इनके संकल्पना से नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन आने वाले सप्ताह में होने वाला है. उसकी लॉन्चिंग यानी उसकी डेट्स डिक्लेरेशन और पिछले 3 वर्ष के कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन ये कल सुबह 12:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में हॉकी टीम के कप्तान पूर्व कप्तान एवं जिनके जीवनी पे सुरमा सिनेमा बनी हुई है, वैसे ही वो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है श्री संदीप सिंह, इनके शुभहस्ते एवं श्रीमती ज्वाला गुट्टा जो बैडमिंटन की प्रोफेशनल प्लेयर है, अर्जुन अवार्डी है, उनके शुभहस्ते इस कार्यक्रम के प्रणेते सन्माननीय नितिन जी गडकरी, सन्माननीय महापौर जी, सन्माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे एवं नागपुर के सभी खासदार विधायक इनके प्रमुख उपस्थिति में ये होने वाला है. पिछले वर्ष 28 गेम्स थे, आज शाम तक पक्का होगा, कल भी आपको पता चलेगा कि कितने गेम्स है, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ताकि नागपुर शहर में एक क्रीड़ा का वातावरण बने और बच्चों को प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसलिए ये क्रीड़ा महोत्सव होता है. मैं आप सभी लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल ये जो दोनों स्टार प्लेयर हमारे नागपुर में आ रहे हैं इनका मार्गदर्शन लेने हम सुरेश भट्ट सभागृह में आए.
धन्यवाद। नागपुर महानगर पालिका द्वारा आशीनगर जोन के गौतम प्राथमिक स्कूल परिसर में शांतता जोन बनाया जाएगा। इसके लिए 3 दिन में नागरिकों को सूचना और आक्षेप कर सकते हैं। महानगर पालिका के आशीनगर जोन अंतर्गत सुजाता नगर के गौतम उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर में 100 मीटर क्षेत्र में शांतता जोन बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम और महाराष्ट्र शासन के पर्यावरण विभाग के शासन निर्णय अनुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा शांतता जोन बनाने का प्रस्ताव लाया गया। इस परिसर में शांतता जोन जाहिर करने के संबंध में नागरिकों की सूचना और आक्षेप 30 दिन के अंदर मनपा के आशीनगर जोन में लेखी या प्रत्यक्ष स्वरूप में आवाहन आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त अभिजीत बाविस्कर ने किया। वर्धा जिले के 4 नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रशासन तैयार है। वर्धा जिले के आष्टी, कारंजा, घाड़गे, सेलू, समुद्रपुर में नगर पंचायत चुनाव होने वाले है। इन सभी नगर पंचायत के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा और 22 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, जिसमें कारंजा घाटगे के 7756, आष्टी में 6367 और सेलू में 9600, समुद्रपुर में 5750 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, आचार संहिता भंग ना हो, इसलिए पथक तैयार किए गए हैं। ऐसी जानकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे ने दी। कारंजा घाटगेमध्ये 13 वार्ड आणि 13 सदस्यांसाठी, आष्टीमध्ये 13 सदस्यांसाठी, सेलूमध्ये 13 सदस्यांसाठी आणि समुद्रपूरमध्ये 15 सदस्यांसाठी ही मतदानाची प्रक्रिया होत आहे। त्यासाठी विविध आपले जे आचारसंहितेच्या उल्लंघन होणे आणि सर्व जे आपले जे उमेदवार आहेत त्यांची जी खर्चाची माहिती आहे ते राज्य निवडणूक आयोगाने ॲप बनवून दिलेलं आहे, त्याच्यावर सर्व उमेदवारांच्या अपडेट करणं आवश्यक आहे। त्याचबरोबर विविध लागणारे ज्या परमिशन आहेत त्याच्यासाठी आपण एक खिडकी योजना निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत तर त्यांच्या कार्यालयामध्ये सुरू केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याकडे 4 निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत, आष्टीसाठी श्री मनोज खैरना, कारंजासाठी श्री हरीश धार्मिक, सेलवेचे श्री सुरेश बगडे, समुद्रपुराचे श्रीमती शिल्पा सोनवणे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत। आणि थोड्या वेळात त्यांचे मोबाईल नंबर आणि लँडलाईन नंबरसुद्धा आपल्याशी शेअर करत आहोत आणि संबंध तुम्हाला काही अडचण असल्यास पहिल्यांदा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार किंवा वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जलगांव के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने हड़ताल पर गए एसटी कर्मचारियों को काम पर लौटने की विनती की। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने में मजबूर ना किया जाए। कई दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसीलिए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हड़ताल पर गए सभी एसटी कर्मचारियों से निवेदन किया कि वो जल्द से जल्द काम पर लौट आए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करे। स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन बस बंद होने से विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। गरीबों के लिए एसटी बस आने जाने का सबसे बड़ा साधन है। कर्मचारियों ने सभी बातों को सोचकर काम पर लौटना चाहिए। इसीलिए अजीत पवार ने कर्मचारियों को काम पर जल्द से जल्द लौटने की अपील की। साथ ही जायजा बैठक में जलगांव जिला नियोजन समिति का कामकाज व जलगांव जिले के कोविड-19 पर उपाय योजना का जायजा लिया। माझी
तमाम महाराष्ट्रातल्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना तिथल्या कामगारांना सगळ्यांनाच आग्रहाची नम्रतेची कळकळीची विनंती आहे. तुम्ही ज्या कारणाकरता संप केला विलिनीकरण त्याकरता कमिटी केलेली आहे ती कमिटी जोपर्यंत रिपोर्ट देत नाही तोपर्यंत त्याबद्दलचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. नंबर एक, कारण हे हायकोर्टात प्रकरण गेलं होतं. हायकोर्टाला पण सांगण्यात आलं की चीफ सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली अजून काही त्याच्यामध्ये दोन तीन सदस्य सचिव लोक फायनान्सचे आणि परिवहनचे अशा प्रकारची ती कमिटी आहे. तो अहवाल आल्यानंतर त्या संदर्भातला काय निर्णय व्हायचा तो होईल. पण तोपर्यंत आजूबाजूच्या राज्यांच्या पेक्षा आपल्या इथं एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार मानधन हे कमी होतं ते आम्ही आजूबाजूच्या राज्यांच्या एवढं म्हणजे कुठल्या कर्नाटक तामिळनाडू आंध्र प्रदेश तेलंगणा मध्य प्रदेश गुजरात ही आजूबाजूची जी राज्य आहेत त्यांच्या बरोबरीमध्ये आपण आणलेलं आहे. न्यू मुंबई महानगरपालिका चुनाव महाविकास आघाडी साथ में लड़ेंगे. तीनों पार्टियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. न्यू मुंबई महानगरपालिका चुनाव पास में आने से शहर का राजनीति माहौल गर्मा गया है. राज्य में तीनों पार्टी की सरकार एक साथ होने से मुंबई महानगरपालिका में भी महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है. तीनों पार्टियों की हुई बैठक सानपाड़ा के वडार भवन में संपन्न हुई. इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ पैनल चुनाव कैसे लड़ा जाए इस संबंध में भी चर्चा की गई. पालिका के भाजपा विधायक गणेश नाइक को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी. इस बैठक में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, विरोधी पक्ष नेता विजय चोगुले, राष्ट्रवादी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक उपस्थित थे. सध्या महापालिकेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. त्या अनुषंगाने नवी मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काँग्रेस शिवसेना आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ही निवडणूक लढवण्याचा आम्ही 100% निर्णय घेतलेला आहे. आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब बाळासाहेबजी थोरात यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये राज्यकारभार करत आहेत. त्यावरती अनेक नागरिक अनेक शेतकरी अनेक कामगार हे अत्यंत समाधानी आहेत. आणि त्याच अनुषंगाने आमच्या नेत्यांनी आम्हाला दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नवी मुंबईमध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही येणारी निवडणूक लढवणार आहोत. आणि भ्रष्ट असणाऱ्या लोकांना ह्या सत्तेतून दूर करण्याचा हा आमचा एकमेव प्रयत्न राहणार आहे. पुसद में आक्रोश मोर्चे में हजारों बंजारा समाज बंधु शामिल हुए. इस मोर्चे के जरिए मृतक के परिवार को न्याय देने की मांग की गई. काली दौलत में 3 दिसंबर को श्याम राठौर इस 22 वर्षीय युवक की मामूली विवाद में तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस घटना के पार्श्व भूमि पर पुसद के गौर सेना द्वारा महा आक्रोश मोर्चा निकाला गया. जिले में कानून सुव्यवस्था ध्यान में रखते हुए मोर्चे को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन गौर सेना द्वारा महा आक्रोश मोर्चा निकाला गया. राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चौहान ने इस मोर्चे का नेतृत्व किया. मृतक के परिवार को 25 लाख रुपयों की मदद, एक को नौकरी देने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की मांग की गई. साथ ही बंजारा समाज पर हो रहे अत्याचार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. इस मोर्चे में हजारों की संख्या में बंजारा समाज बंधु शामिल हुए थे. बहुल असलेला यवतमाळ जिल्ह्यातील काळी दौलत महागाव तालुका यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये श्याम राठोड नावाच्या आमच्या गोरबंजारा समाजाच्या एका मुलाचा निर्गुण हत्या त्या ठिकाणी झाली. 3 डिसेंबरला हत्या झाली. आम्ही 10 डिसेंबर पर्यंत वाट बघितली की कोणीतरी काहीतरी याचा प्रतिरोध करेल निषेध करेल, पण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणी काही केलं नाही. म्हणून 10 डिसेंबरला आम्ही निवेदन दिलं की श्याम राठोडला फास्ट हे जे काही प्रकरण आहे हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चाललं पाहिजे, निष्णात वकील त्या ठिकाणी त्याची नेमणूक झाली पाहिजे. दुसरी महत्वाची मागणी अशी होती की हे जे काय त्यांचे जे पीडित आहेत त्यांचे घरचे
आर्थिक परिस्थिती फार खालावली आहे. एकुलती एक आई आहे, वडील नाही आहे, कमवता मुलगा त्याच्यातून दगावला आहे. म्हणून त्यांच्या घरच्यांना कमीत कमी 25 लाखाची मदत त्या ठिकाणी झाली पाहिजे आणि त्यांच्या घरातील एका सदस्याला सरकारी सेवेत नोकरीला घेतलं पाहिजे. ह्या 3 प्रमुख मागण्या होत्या आणि त्यासोबत चौथी एक महत्वाची मागणी होती की गोर बंजारा समाजामध्ये दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय अत्याचार होतो. एका वर्षाला आमच्या समाजाच्या 17 ते 18 मुलींवर अन्याय अत्याचार होतो, खून केला जातो, बलात्कार केला जातो, त्यांना त्यांची निर्गुण हत्या होते. आम्ही दरवर्षी मोर्चे आंदोलन काढतो पण कुठेच त्याला दाद देत नाही. म्हणून आम्ही मागणी करतोय या आंदोलनाच्या माध्यमातून या सरकारला की अॅट्रॉसिटी प्रमाणे एक स्वतंत्र कायदा निर्माण करून गोर बंजारा समाजाला त्या ठिकाणी त्यांनी एक नवनियुक्त कायदा करावा आणि गोर बंजारा समाजाला संरक्षण द्यावं. स्वर्ण भस्म देने का लालच देकर वस्मत के व्यापारी से 6 लाख लूटने की घटना सामने आई है. हिंगोली में पुलिस ने इस मामले में नकली पुलिस को गिरफ्तार किया. घर में सुख शांति और आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए वस्मत जिला हिंगोली में एक व्यापारी के पास से 6 लाख नकदी और 7 लाख का चेक लेकर विशेष पूजा के लिए टीम को शेगांव के पास नकली पुलिस की टीम ने 6 लाख रुपए लूटने की घटना गुरुवार रात घटी. शहर के बाहर पैसे लूटने में हो रही हाथापाई के दौरान पेट्रोलिंग कर रही शेगांव ग्रामीण असली पुलिस ने एक नकली पुलिस को पकड़ा, जिसके बाद लूट का यह सारा मामला उजागर हुआ. दिनांक 16/12/2021 से 5:30 दरम्यान फिर्यादी संतोष सिंह ठाकूर राहणार बसमत हे आनंदसागर या ठिकाणाहून आले व त्याच ठिकाणी त्यांना सरफराज बाबा व त्याच्यासोबत 4 इसम हे त्यांना सुवर्ण भस्म देतो. त्याकरिता तुम्हाला 7 लाख रुपये द्यावे लागतील व बाकीचा उर्वरित चेक द्यावे लागतील अशी बतावणी केली. त्यावरून त्यांनी आरोपी यांना 6 लाख व 7 लाख रुपयाचा ॲक्सिस बँकेचा चेक दिला. त्यानंतर फिर्यादी व आरोपी हे वरखेड फाट्यापर्यंत गेले असता वरखेड फाट्या इथे झायलो गाडी आली, त्या गाडीतून 4 इसम उतरले आणि त्या लोकांनी फिर्यादी आज लाठ्या काठ्याने मारण्याचा प्रयत्न केला व आम्ही पोलीस आहे तुम्ही ते कसे काय आले असे म्हणून बतावणी केली. तेथे त्या तत्काळ तेथे पोलीस आले असता पोलिसांना ही घटना लक्षात आली आणि त्यानंतर त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये आणण्यात आले. तेव्हा त्यांनी सरफराज बाबा व त्याच्यासोबत असलेल्या 5 लोकं यांनी त्याची फसवणूक केल्याची त्यांनी पोलिसांना फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार त्या पोलिसांनी तेथील एक शेख शब्बीर शेख गुलाब याला ताब्यात घेतले आणि पोलीस स्टेशनला येऊन गुन्हा दाखल केला. पुढील आरोपीला अटक करून पुढची कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली. नागपुर के किंग्सवे अस्पताल द्वारा होम वर्कआउट इस विषय पर निशुल्क मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान डॉक्टर लोहिया द्वारा डाइट प्लान, मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज व फिटनेस संबंधी जानकारी दी गई. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशील लोहिया, मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन एट किंग्सवे हॉस्पिटल. यहाँ हम जमा हुए हैं एक नए प्रोग्राम, एक नए विचार और एक नए कंसेप्ट के लॉन्च के बारे में, जिसका नाम हमने किन फिटर करके रखा है. किन फिटर मतलब आप फिट होने की आपकी इच्छा और चाहत और आप उसके लिए जागरूक है. इस प्रोग्राम के तहत हम डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एडिशन टू मेडिकल सुपरविजन, मतलब एक डॉक्टर के देख रेख में आपकी बीमारियों को कंट्रोल करके ये सब साथ में करना, ये आज समय की बहुत बड़ी मांग और ज़रूरत है. क्योंकि मोटापा ये मल्टीफैक्टोरियल है, सब कारणों की वजह से है, जेनेटिक, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल. जब तक इस पे चारों तरफ से अटैक नहीं करेंगे ये हमेशा के लिए कंट्रोल में नहीं रह सकता, सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. हमने बहुत बार देखा है एक्सट्रीम डाइट करने का 6 महीने बाद वापस वेट गेन हो जाता है, बहुत एक्सरसाइज करके हम इंजुरी कर लेते हैं. तो ये प्रोग्राम सब चीज़ों को मॉडरेशन में, जो आप रोज़ कर सके, हमेशा ज़िंदगी भर कर सके, इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाता है. आपने जितना भी कहा ये सब एक एक्सरसाइज फॉर्म है. हम सारे एक्सरसाइज फॉर्म आपकी डाइट के हिसाब से, डाइट की जगह न्यूट्रिशन बोलना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके को कैसा स्वस्थ बनाना चाहिए, प्लस आपकी बीमारियों को कंट्रोल करना, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्ट्रेस को मैनेज करना, और कुछ चंद केसों में जिनका बीमारी इस लेवल तक ये बढ़ गया है कि ये सब करने के बाद भी एक 10-15% से ज़्यादा वजन कम नहीं होता, उन्हें सर्जरी द्वारा या मेडिसिन द्वारा या इंजेक्शन द्वारा हेल्प करना, और उसके बाद उनको
कंटिन्यू करना ताकि वो वापस ना आए। सर्जरी तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन वापस ये वजन ना आए, उसके लिए उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल पहले सिखाना ताकि वो ज़िंदगी भर फॉलो कर सके। मतलब हमारी लाइफस्टाइल के अनुसार? जी, आपके अनुसार, आपके जीवन शैली के अनुसार जो आप हमेशा कर सके। VKB प्राइम टाइम में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।